डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेस में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का मेरा जो टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 पार्ट 4। तो मैं इसके पहले सारे वीडियो को मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। और अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। चलिए, तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 5 क्वेश्चन है, जो कि आपके सामने है, आप पर देख सकते हैं बुक में, हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो 5 दिया है, सर्वसमिका कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए को लागू करना है, ठीक है ना। दिया है सर्वसमिका, सर्वसमिका कोसेक स्क्वायर ए, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, है ना। आपको इसी इस फार्मूले का यूज करके जो सर्वसमिका दिया है, इसका इस क्वेश्चन में यूज करके इतना लाना है। तो चलिए, अब आपको वही लॉजिक हम अपनाते हैं, क्या बड़े से छोटा लाना, मतलब इससे इसको लाना आसान होगा। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग होगा लेकिन बहुत इजी है, आप आसानी से समझ जाएंगे, बने रहिए। देखिए, ये आपका है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, है ना। अब क्या करते हैं, हम साइन ए से डिवाइड करते हैं नमरेटर और डिनोमिनेटर के प्रत्येक पदों में, ठीक है ना। साइन ए से नमरेटर और डिनोमिनेटर के प्रत्येक पदों में भाग दे देते हैं, जिससे मान में कोई परिवर्तन ना आए। तो ये आपको मिलेगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, है ना। इसी तरह से इसमें भी डिवाइड करते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर क्या होता है, कॉट ए, तो कॉट ए हो गया, माइनस साइन ए का साइन ए डिवाइड करेंगे 1 आएगा, प्लस 1 अपॉन साइन ए बराबर होता है कोसेक ए, तो आपका हो गया कोसेक ए। देखिए कितने प्यार से आ रहा है, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े ही प्यार से आपका सोल्यूशन हो जा रहा है। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा आपका, कॉट ए, प्लस साइन ए में साइन ए का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, माइनस 1 अपॉन साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक ए, इसको हम कोसेक ए लिख देते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, आप इसे बड़े ही आसानी से समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसको हम लिख रहे हैं कॉट ए माइनस, ठीक है ना, कॉट ए माइनस को बाहर ले लेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस कोसेक ए, 1 माइनस कोसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोसेक ए, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो, हम इसी का मल्टीप्लाई करेंगे नमरेटर और डिनोमिनेटर में, सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉट ए, माइनस 1 माइनस कोसेक ए अपॉन कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए होगा ना, क्योंकि इसे कटेगा फिर वही आ जाएगा। अब देखिए, कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए, कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको मिलेगा कॉट ए माइनस 1 माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका है, इसको हम ए माने और इसको हम बी माने, तो ये भी हमारा ए होगा, ये भी हमारा
बी होगा ये ए, तो ये भी है, ये भी, तो ये भी बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस वन माइनस कोसेक स्क्वायर ए, वन माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस वन माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर, बी का वैल्यू वन माइनस कोसेक ए है तो वन माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कितने प्यार से आ रहा है, एकदम बड़े ही आसानी से मक्खन की तरह, है ना। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमें मिलेगा कॉट ए, कॉट ए, अब ये देखो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस वन, और माइनस का माइनस में होगा तो ये हो जाएगा प्लस कोसेक ए, कोसेक ए, ठीक है ना, होल स्क्वायर अपॉन ये हमारा क्या है कॉट स्क्वायर ए है, क्या है कॉट स्क्वायर ए है, तो इस कॉट स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन, यहाँ इसको हमें लागू करना है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए की जगह पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो इसको हम लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये देखिए यहाँ से इसका हम जब पक्षांतर करेंगे तो ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा, इसके जगह पर क्या बचेगा कॉट स्क्वायर ए, तो यानी कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन, और ये हमारा हो गया माइनस, ये हो गया वन माइनस कोसेक, कोसेक ए का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए अब इसको हम ए प्लस बी प्लस सी के होल वर्ग पे तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर, तो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन ही होगा, प्लस सी स्क्वायर, तो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर ए, फिर में मिलेगा प्लस टू ए बी, तो ए का मान प्लस है बी का मान माइनस है, तो प्लस का गुणा माइनस में हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा टू कॉट ए, है ना। फिर प्लस टू बी सी, तो देखो बी का मान माइनस है और सी का मान प्लस है, तो प्लस का गुणा माइनस में माइनस हो जाएगा, वन का मल्टीप्लाई कोसेक ए में करेंगे तो हमें मिलेगा टू कोसेक ए, टू कोसेक ए, फिर प्लस टू सी ए, तो सी का मान भी प्लस में ए का मान भी प्लस में, तो हो जाएगा टू, टू कॉट ए इंटू कोसेक ए, टू कॉट ए इंटू कोसेक ए अपान, ये हमें मिला कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन माइनस, इसको ए माइनस बी के होल वर्ग पर तोड़ेंगे, ठीक है ना, इसको ए माइनस बी के होल वर्ग पर तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो वन का स्क्वायर वन होगा प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस टू ए बी, तो हो जाएगा माइनस टू कोसेक ए, माइनस टू कोसेक ए, क्योंकि वन का मल्टीप्लाई कोसेक ए में होगा तो कोसेक ए ही होगा। अब देखिए कॉट स्क्वायर ए बराबर, ठीक है ना, कॉट स्क्वायर ए ये है ना, तो इस कॉट स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन, इसके जगह पर, इसके जगह पर लिखेंगे, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो इसके जगह पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन, फिर यहाँ आपका प्लस वन हो गया, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया प्लस वन, फिर उसके बाद में आपका हो गया प्लस, इसके जगह पर ये वाला हो गया, और उसके बाद में आपका वन है तो वन हो गया, फिर आपका हो गया प्लस कोसेक स्क्वायर, प्लस कोसेक स्क्वायर, प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए हो गया माइनस टू कॉट ए माइनस टू कोसेक ए, टू कोसेक ए ये वाला, फिर हो गया प्लस टू कॉट ए इंटू कोसेक ए अपान, ठीक है, ये हमारा हो गया कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा वन, माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, माइनस का माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा, आपका हो गया टू कोसेक ए, है ना। अब देखिए बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से मक्खन की तरह, ये माइनस है ये प्लस है कट जाएगा, देखिए कोसेक स्क्वायर ए एक यहाँ है, कोसेक स्क्वायर ए एक यहाँ है, तो हमें हो जाएगा मिल जाएगा टू कोसेक स्क्वायर ए, टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। इसके बाद में टू कॉट ए, फिर इसको इसके साथ हम इसको लिख देते हैं माइनस टू कोसेक ए, माइनस टू कोसेक ए, इसको हम पहले लिख देते हैं, ये वाला हम पहले लिख देते हैं, ठीक है ना, तो प्लस
टू कॉट ए इंटू कोसेक ए इंटू कोसेक ए। अब हम इसको लिख देते हैं ये वाला, ठीक है ना, माइनस टू कॉट ए। ठीक, देखिए एक बार फिर से, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, फिर माइनस इसको, इसको हम यहाँ लिख दिए, फिर टू कॉट ए कोसेक ए को यहाँ लिख दिए, फिर माइनस टू कॉट ए को यहाँ लिख दिए। ठीक है ना, बड़े ही प्यार से देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, कट गया, माइनस वन तो आपको मिलेगा माइनस टू, ये हो गया माइनस टू, फिर हो गया प्लस टू कोसेक ए, टू कोसेक ए मिल रहा है ना। कि कितने ही प्यार से, कितने ही आसानी से मामला आपका आगे बढ़ रहा है। अब देखो यहां से क्या है, टू कोसेक ए यहाँ भी है, टू कोसेक ए यहाँ भी है, तो यहाँ से हम टू कोसेक ए को लेते हैं बाहर, तो जब इसको हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ कोसेक ए बचेगा, हाँ बचेगा, चलो लिख देते हैं, और यहाँ क्या बचेगा, वन बच जाएगा, इसके जगह पर वन बचेगा। ठीक है ना, यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं, टू कॉट ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो प्लस टू कॉट ए को बाहर लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा कोसेक ए, कोसेक ए माइनस, यहाँ क्या बच जाएगा, वन, चूंकि ये बाहर हो जाएगा तो वन बच जाएगा। अपन देखिए इसको हम पहले लिख देते हैं, टू कोसेक ए को हम लिखते हैं पहले, माइनस टू को बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो कोसेक ए माइनस वन यहाँ भी है, कोसेक ए माइनस वन यहाँ भी है, तो इसको हम कॉमन लेते हैं, कोसेक ए माइनस वन, तो यहाँ हमें मिलेगा क्या, मिलेगा ये मिलेगा टू कोसेक ए, टू कोसेक ए प्लस टू कॉट ए, यही मिलेगा ना। जब ये बाहर हो जाएगा तो यहाँ ये बचेगा और यहाँ पर ये बचेगा, इसको हमने रख दिया। अपान यहाँ से हम टू को बाहर ले लें, अगर टू को अगर बाहर ले लें तो यहाँ हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा कोसेक ए माइनस वन, यही मिलेगा ना। अब देखो कोसेक ए माइनस वन से कोसेक ए माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, अब हमें मिलेगा क्या, मिलेगा टू कोसेक ए, टू कोसेक ए प्लस टू कॉट ए अपॉन टू बचेगा। अब यहां से हम टू को कॉमन ले लें, दोनों में है, तो हमें मिलेगा कोसेक ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन टू, तो टू से टू कैंसिल हो गया, तो हमें मिला क्या, मिला हमें मिल गया कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आ गया ना, हमें यही लाना था और आप देख लीजिए आ गया। तो चलिए आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम मिटाते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको आप मिटाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही सिंपल था, थोड़ा लॉन्ग था, लेकिन बहुत ही सिंपल था, बच्चे घबरा जाते हैं थोड़ा। अब देखो ये क्या है ना कि आपको मित्रों इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको जो सर्व समीकरण हैं, जो इससे रिलेटिव फार्मूले हैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब उसको आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारे फार्मूला को विथ ट्रिक, वो भी बस वही है लाल बटे कक्का बस, ठीक है ना, उसी पर सब है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं एक नजर में, आप देख सकते हैं जैसा कि दिया है क्वेश्चन में, अंडर रूट, अंडर रूट वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए अपान वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है सेक ए, सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए प्लस टैन ए। चलिए तो अब हम फटाफट अंदाज में चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, वन प्लस साइन ए अपान वन माइनस साइन ए। करना क्या है इसमें, इसके नंबरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वन माइनस साइन ए, माइनस है तो प्लस ए, वन प्लस साइन ए से, है ना, वन प्लस साइन ए से। इस तरह के क्वेश्चन को आप भी ऐसे ही लगाइएगा, नीचे वाला जो रहेगा, जो हर होगा उसी का मल्टीप्लाई करेंगे, सिंबल चेंज हो जाएगा, जरूरी नहीं कि ऊपर वाला वही हो, ठीक है ना। यहाँ जैसे मिल रहा है ना, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला वही हो, नीचे वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, सिंबल को बदल देते हैं। देखिए वन साइन ए, वन साइन ए, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया। अब देखो वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, तो आपको हो जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा ना, और ये वन माइनस साइन ए, वन प्लस साइन ए, यानी ये आपका है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। बस इसी पे इसको ब्रेक कर देंगे तो वन का स्क्वायर वन होगा, माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा
साइन स्क्वायर है, अब ये आपको मिलेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये बराबर होगा कॉस स्क्वायर होगा ना। अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। आप ये पढ़े हैं यदि करड़ी में ए टू दी पावर एन अपॉन बी टू दी पावर एन हो तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं रूप में a बाई बी होल टू दी पावर एन, है ना। बस उसी पर इसको हमने तोड़ दिया, अभी स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको हम अलग अलग लिख देंगे तो ये मिलेगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए। अब 1 बाई कॉस ए बराबर क्या होगा, सेक ए, तो सेक ए हो गया। साइन बाई साइन ए बाई कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉट ए, ए होगा टैन ए। साइन बाई कॉस बराबर टैन होता है, तो आपका हो गया टैन ए। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, देखिए कितने ही बड़े प्यार से आसानी से आ गया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा, टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको लाना है टेन थीटा। क्या लाना है, टेन थीटा। बड़ा ही सिंपल है और बड़ा ही आसान है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। देखिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लॉजिक वही है, बड़े से छोटा बनाने में बड़ी ही आसानी होती है। 100 रुपए से 1 रुपया आसानी से बना लेंगे, लेकिन 1 से 100 बनाने में कठिनाई होगी। तो हम बड़े वाले को लेते हैं, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। अब देखो क्या है, साइन थीटा यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम साइन थीटा को लेते हैं बाहर, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बाहर जाएगा तो आपको मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ से कॉस क्यूब, कॉस यहाँ भी है कॉस यहाँ भी है, तो हम कॉस थीटा को बाहर लेते हैं, यहाँ हमें बचेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 3 घात था 1 निकल गया 2 घात बच जाएगा, कॉस थीटा बाहर तो यहाँ 1 हो गया। अब आप देखिए ये फार्मूला होता है, हम लिख दे रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस 2 ए, और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर भी होता है कॉस 2 ए, है ना। तो देखिए ये हो गया आपका साइन थीटा इंटू, इसके जगह पर इस फार्मूले पे हम रखेंगे कॉस 2 थीटा, यहाँ ए था तो ए हो गया, यहाँ थीटा है तो थीटा हो जाएगा, कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू इसके जगह पर भी हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ फार्मूला इसके जगह पर भी हो जाएगा कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, देखिए बराबर आपका हो गया राइट हैंड साइड, हो गया ना। तो चलिए आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है ना। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हम चाहेंगे कि आप जरूर शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों में मित्रों में, आपका बोर्ड एग्जाम आपके करीब में है, हम चाहेंगे आप अपना सपोर्ट हमें दें, अपना प्यार दें, अपना सहयोग दें, प्लस अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी पढ़ने में आसानी हो और आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या करता है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 8 बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान सा चैप्टर था, ये एक्सरसाइज था। साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस दिया है, प्लस दिया है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आप लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, ठीक है। यहाँ भी वही रूल लगाते हैं, बड़ा से छोटा लाना, ठीक है ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और हम क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए प्लस
sec a का होल स्क्वायर। अब देखो आप जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, होता है ना। बस इसी फार्मूले पे इसे हम ब्रेक करेंगे। तो a की जगह पर साइन है, b की जगह पे कोसेक है, तो a स्क्वायर तो a के प्लस पर साइन है तो साइन स्क्वायर a, प्लस b स्क्वायर तो b की जगह पर कोसेक है तो आपका हो गया कोसेक स्क्वायर a, ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर a, प्लस 2ab तो 2 इंटू साइन a इंटू b की जगह पर कोसेक है तो कोसेक a, प्लस इसको भी तोड़ेंगे a स्क्वायर तो आपका हो गया कॉस स्क्वायर a, प्लस b स्क्वायर तो ये आपका हो गया सेक स्क्वायर a, फिर प्लस 2ab तो आपका हो गया 2 cos a इंटू sec a, होगा ना। बहुत ही अच्छी, बहुत ही आनंददायक प्रश्न। इसको और इसको एक साथ रख देते हैं तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये आपका फार्मूला बनेगा, ठीक है ना। प्लस अब इसके बाद में cosec स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर a, इस cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a सूत्र होता है, तो इसके जगह पर हम इसको रखेंगे, इसको और इसको यहाँ रख दिए, cosec स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा यहाँ प्लस था प्लस, इसकी जगह पर 1 प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 sin a और cosec a इक्वल टू होता है 1 बाई sin a, तो 1 बाई sin a रख दिया हमने, प्लस इसको तो हम यहाँ ले चुके हैं। अब नंबर आया sec स्क्वायर a का, तो sec स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू sec a इक्वल टू होता है 1 बाई cos a, तो 1 बाई cos a, cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, sin a से sin a कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 प्लस 1 यहां लिख दिए प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2, तो ये आपको मिल गया 1 2 2 4 1 5 2 7, ये हो गया 7 प्लस इसको हम पहले लिख देते हैं tan स्क्वायर a, फिर इसको लिख देते हैं प्लस cot स्क्वायर a, है ना, इक्वल टू आपका हो गया राइट हैंड साइड। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। देखिए बड़े ही आसानी से, बड़े ही प्यार से आपका आ गया। तो चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 9, डियर स्टूडेंट्स वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, ये भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है cosec a माइनस sin a, cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a इंटू sec a माइनस cos a, ठीक है, इज इक्वल टू वन बाई tan a प्लस cot a। तो डियर स्टूडेंट्स हमने आपको पहले बताया था जब इस तरह का होता है तो प्रायः इसको हम दोनों तरफ लगाते हैं, ठीक है ना। तो दोनों तरफ हम सॉल्व करते हैं। देखिए cosec a बराबर क्या होता है, 1 बाई साइन a, बड़े ही प्यार से साइन a बराबर इसको साइन a ही रहने देते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे कर दिया हमने, इंटू cosec a बराबर क्या होता है 1 बाई cos a, चलिए cos a लिख देते हैं, माइनस इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 बाई tan a बराबर क्या होता है साइन a बाई cos a, चलिए बड़े ही प्यार से हमने लिख दिया, cot a बराबर होता है cos a बाई साइन a, चलिए इसको भी हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसका अपान 1 कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो 1 का 1 में 1, साइन का साइन में तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर a, बीच में माइनस था माइनस लगा दिए, 1 का साइन a में तो आपका हो गया साइन a, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनटू इसके बाद में यहाँ जब हम आते हैं तो यहाँ हमें मिलता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 का 1 में 1, माइनस है तो माइनस हो गया cos a का cos a में, तो cos स्क्वायर a अपॉन cos a का 1 में तो आपको हो गया cos a,
है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन अपॉन साइन ए का साइन ए में, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए का कॉस में कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। चलिए बड़े ही आसानी से हम अपने मंजिल की ओर पहुंच रहे हैं। अब देखो वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, तो हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए ठीक अपॉन साइन ए ठीक है, इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए है तो कॉस ए इक्वल टू ये चला जाएगा ऊपर तो ये आपको मिलेगा कॉस ए इंटू ये आपको मिलेगा कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यही मिलेगा ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो इससे ये कटेगा इससे कटेगा कॉस ए यहाँ बचेगा, यहाँ देखिए टू पावर है यहाँ एक ही पावर है तो एक पावर बच जाएगा, यहाँ भी टू पावर है एक पावर कटेगा तो यहाँ भी एक पावर बच जाएगा इज इक्वल टू। अब ये आपका हो गया इसका वैल्यू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन होता है, ये हो गया कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन वन। अब ये कॉस ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू वन का डिवाइड किए तो ये हो गया कॉस ए इंटू साइन ए। अब आप देख सकते हैं बोथ साइड इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो हम चाहेंगे आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको हम मिटाते हैं और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसानी से हम अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप लोगों का प्यार और सहयोग मिले ठीक है, चूंकि देखिए हम बहुत ही आप लोगों के लिए आपकी सहायता के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़े, आप लोगों का भविष्य उज्ज्वल हो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको लाना है टेन स्क्वायर ए। आपको ये लाना है कि जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा और दोनों का वैल्यू इतना होगा, है ना। चलो अब हम इसको पहले लेते हैं ठीक है ना, इसको लेते हैं वन प्लस लेफ्ट हैंड साइड से, पहले इसको लेते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए ठीक इज इक्वल टू वन प्लस टेन बराबर साइन अपॉन कॉस होता है तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट बराबर कॉस अपॉन साइन होता है तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना। अब देखो इसका अपॉन वन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए इसका इसमें करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन इसका इसमें करेंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए यही मिलेगा ना। अब देखो ये जाएगा ऊपर और ये यहाँ आएगा तो ये आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन ये आपको इसका इसमें होगा तो ये आपका होगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ठीक है ना। इसका भी ये देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम दोनों प्लस है इसको हम पहले लिख दे रहे हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो देखिए इसे कटेगा ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, आ गया ना। इतना बराबर टेन स्क्वायर ए लाना था, आ गया। चलिए अब हम दूसरा लेते हैं, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए, है ना, का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन माइनस टेन ए बराबर होगा आपका साइन ए अपॉन कॉस ए ठीक हो गया, वन माइनस कॉट ए बराबर होगा आपका कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया ठीक है।
अब इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं, इसका आप आर वन करके इसका इसमें करेंगे तो ये आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉस ए माइनस इसका इसमें करेंगे तो मिलेगा साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन इसका इसमें करेंगे तो ये आपको मिलेगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन ये आपका मिलेगा साइन ए, तो ये हो गया आपका साइन ए, है ना। देखिए कितने ही प्यार से आ रहा है, बिल्कुल आपको घबराहट होने की जरूरत नहीं है। होल स्क्वायर, अब आप ये जानते हैं अगर 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो तब भी 1 आएगा और 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो तब माइनस 1 का स्क्वायर बराबर तब भी 1 ही आएगा, है ना। यानी कहने का मतलब अगर माइनस फंक्शन है और होल स्क्वायर है तो आगे पीछे लिखने मारने में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। साइन ए को हम पहले लिख सकते हैं तो ये आपको मिलेगा इस तरह से, जब इसको हम लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ये हम ये हमारा ऊपर चला जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए इंटू इसको हम ले जा रहे हैं ऊपर, ठीक है ना, इंटू साइन ए, ठीक, अपान इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये आपका हो गया, इसको हम पहले लिख देंगे तो होगा कॉस ए माइनस साइन ए, चूंकि अभी हमने आपको बताया यदि 2 माइनस 3 हो या 3 माइनस 2 हो दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो इस साइन ए माइनस कॉस ए को हमने कॉस ए को पहले लिखा माइनस साइन ए को बाद में लिख दिया, ठीक है ना। इंटू क्या बचा हमारा, इंटू इसका मल्टीप्लाई देखिए ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा तो इंटू हो गया कॉस ए। अब आप देखिए इसका क्या है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया। अब इससे ये कट गया कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, तो हमें मिला साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। अब साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर आपका हो गया टेन स्क्वायर ए, तो ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। हमें प्रूव करना था इसका वैल्यू भी टेन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू भी टेन स्क्वायर ए, आप देख सकते हैं इसका भी वही आया, इसका भी वही आया। सो अब यहीं पर बस अब आज का क्लास यहीं तक, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। SST क्लासेस आप सभी विद्यार्थियों के स्नेह और प्यार का अभिलाषी है, आप लोगों ने जो अपना प्यार सपोर्ट दिया और दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, बस ऐसे ही अपना प्यार स्नेह देते रहिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।